पिछले हफ्ते से मैंने जो असेंबलीज ऑफ गॉड का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन्स ऑफ द असेंबलीज ऑफ गॉड, उसमें कुछ प्रकाश डालते आया हूँ और आज भी मैं और आगे बढ़ूँगा। याद रखना कि हम लोग इस पर पूरा गहराई से नहीं जा सकते क्योंकि समय लगता है, बहुत लंबा लंबा रहता है। तो मैं संक्षिप्त में आप लोगों को बताता हूँ कि हमारा विश्वास क्या है। कई एक चीज़ों में जो हम लोग यहाँ पर है, बहुत से ऐसे ऐसे चीज़ है जिस पर हम लोग विश्वास करते हैं। बहुत से अफवाहें हैं, बहुत से बातचीत, कुछ लोगों का और कोई कोई विचार रहता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो मसीह विश्वासी असेंबलीज ऑफ गॉड में है, हमारा विश्वास क्या है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि जितना चीज़ हम लोग विश्वास करते हैं, जितना जो जो सिद्धांत है, हमारा सिद्धांत सब बाइबल में से लिया गया है। ये कोई मनुष्य का नहीं है। जैसे कोई कोई जगह पर है, बोले पोप ये बात बताया तो हम लोग विश्वास करते हैं, या जेहोवाज़ विटनेस में या कहीं और जाओ तो वे लोग कोई एक आदमी के नाम लेते हैं और कहते हैं कि उसके सिखाए हुए चीज़ पर हम लोग विश्वास करते हैं। लेकिन जब हम लोग आते हैं तो हम लोग बाइबल पर जाते हैं। मैंने बताया था कि बाइबल हमारे लिए परमेश्वर को जानने के लिए बस है, हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ में हम लोग कैसे रखेंगे उसके लिए बस है। All our relationship. If you want to know what and who God is, your relationship with God, you go to the Bible, nowhere else. और कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं, because इधर उधर अगर आप जाओगे तो गलत मिलेगा, गलत विचार मिलेगा। और हमारा रिश्ता कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ में रहे, मनुष्य में, पड़ोसी के साथ में, पति पत्नी बच्चों के साथ में, नौकरी के स्थान में नहीं, कैसे नौकरों को संभाले, ये सब चीज़ हम लोग जानना चाहते हैं, ये बाइबल में आपको सब कुछ मिलेगा। सो हमारे लिए बाइबल बस है परमेश्वर को जानने के लिए और एक दूसरे से कैसे हम लोग रिश्ता रखेंगे। मैंने इसके विषय में बातचीत किया और आज मैं पिछले हफ्ता मैंने बताया कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, उसके प्रेरणा से जो कुछ इसमें है उसने हमें दिया, और जो कुछ उसने बताया चुने हुए लोगों से, पवित्र लोगों से उनको बताया, और वे लोग लिखे बिना कोई गलती, कोई इसमें गलती नहीं है। कोशिश करेंगे, लोग कोशिश करेंगे, बताएंगे वो बाइबल में ऐसे गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन अगर जब खोजा जाए तो नहीं मिलता है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार लिखा गया। जो कुछ परमेश्वर चाहता था वे लोग लिखे, उन्होंने लिखा, और बिना कोई गलती से, विदाउट एनी एरर, इसको हमें मानना। और इस किताब को हमें और ज़्यादा समय देना चाहिए पढ़ने के लिए, विश्वास करने के लिए, बच्चों को देने के लिए, और अगर इसके मुताबिक हम लोग चलेंगे हमारा रास्ता कभी गड़बड़ी नहीं होगा, और ये बहुत ही खूबी बात है। आज मैं बातचीत करना चाहता हूँ परमेश्वर के विषय में कि हम लोग विश्वास करते हैं एक सच्चा परमेश्वर। हमारा विश्वास, असेंबली ऑफ गॉड का विश्वास है एक सच्चा परमेश्वर। परमेश्वर अपने आप को प्रकाश किया, प्रकाशन किया, और इसके द्वारा हम लोग जानते हैं कि वो कौन है। बाइबल से हम लोग सीखते हैं, मनुष्य के बताए हुआ बात नहीं है। परमेश्वर, ये एक परमेश्वर अपने आप को इस तरह से प्रकाशन किया, वो हमें दिखाता है कि मैं हूँ। इंग्लिश में कहते हैं आई एम, या मैं वही हूँ, बाइबल हिंदी बाइबल में मिलता हूँ। और वो है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जीवित रहने के लिए। जैसे हम लोग मनुष्य हैं, अगर हम लोग जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है, जगह की ज़रूरत है, कपड़ा की ज़रूरत है, ये सब चीज़ में हम लोग पूरा अपना आसरा रखते हैं। ये सब चीज़ अगर नहीं रहेगा तो हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अब हम लोग परमेश्वर, ये एक सच्चा परमेश्वर के विषय में जब सीखते हैं, वो उसको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ एग्जिस्टेंट, वो अपने आप जीवित है, वो अपने आप सब कुछ करता है, उसमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, चाहे हवा हो, भोजन हो, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप सब कुछ करता है। तो ही इज़ अ सेल्फ एग्जिस्टेंट आई एम, खुद अपने जीवित रहना। और वह कहता हूँ, वो कहता है कि मैं वही हूँ। यही परमेश्वर जिस पर हम लोग विश्वास करते हैं, उसने सब कुछ सृजा, स्वर्ग, धरती, पृथ्वी जो है, सब कुछ वो सृजा। ये हमारा विश्वास है, एक ही परमेश्वर। ये अपने आप नहीं हुआ, जैसे कुछ लोग बताते हैं अपने आप हो गया,
एवोल्यूशन थियरी वगैरह बताते हैं, तरह तरह की चीज़ बताते हैं, लेकिन हम लोग विश्वास करते हैं जो कुछ हम लोग देखते हैं, जो कुछ इस पृथ्वी पर है, कोई भी चीज़ है, सब कुछ परमेश्वर का सृजा, उसने सब कुछ सृजा, उसके द्वारा हुआ, कुछ नहीं था, वो कुछ नहीं में से कुछ बना दिया, प्रेज द लॉर्ड, कुछ नहीं था और उसने अपने शब्दों से सब कुछ बना दिया। ये हमारा परमेश्वर है, ये परमेश्वर है जो मनुष्य जाति से प्रेम करता है और उसको छुटकारा देने के लिए, पाप से छुटकारा देने के लिए एक मार्ग दिखाया, और वो मार्ग है यीशु मसीह। फिर हम देखते हैं परमेश्वर के विषय में, ये एक चीज़ है शायद हम लोग कभी नहीं समझ पाएंगे, और बहुत लोग इसको गलत से अनुवाद करते हैं, कहते हैं कि तुम एक परमेश्वर नहीं, तुम दो तीन परमेश्वर को मानते हो, क्योंकि परमेश्वर अपने आप को प्रकाशन किया हमारे लिए पिता के रूप में, पुत्र के रूप में और पवित्र आत्मा के रूप में, फादर सन एंड द होली स्पिरिट। ये शायद हम लोग कभी नहीं समझ पाएंगे, हम लोग कहते हैं कि ये तीन है, लेकिन तीन एक है, एक है तीन में है, नहीं पूछना सवाल, इसको हम लोग कभी नहीं समझा पाएंगे, एक दिन शायद हम लोग समझेंगे, लेकिन सच्चाई ये है, बाइबल हमें दिखाता है कि परमेश्वर तीन तरह से हमारे बीच में काम करता है, बताता वो पिता है, मनुष्य जाति से प्रेम करता है, वो पुत्र है, यीशु मसीह को भेजा, और वो पवित्र आत्मा है जो हमें आत्मिक शक्ति देता है। यशायाह नबी की किताब में हम लोग देखते हैं, यशायाह 43:10 में लिखा हुआ है, यहोवा की वाणी, शायद इंग्लिश में आप देखोगे, यहोवा की वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे तेरे दास हो, और मेरे दास हो जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझ कर मेरी प्रतीत करो और ये जान लो कि मैं वही हूं, इंग्लिश में आई एम होगा, मुझसे पहले कोई ईश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा, मैं ही यहोवा हूं, 43:11 में, मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है, यही सब कुछ मैंने भी बताया, मैं परमेश्वर हूं, बिना मेरे द्वारा कोई नहीं, मुझे छोड़कर और कोई नहीं है, मैं ही उद्धार करता हूं, पाप से छुटकारा देने वाला, यानी कि इसका मतलब परमेश्वर, ये परमेश्वर की हम लोग सेवा करते हैं और मानते हैं। और जानते हो बाइबल एक चीज हो, बहुत ही सुंदर बात यहां पर है कि बाइबल कुछ समय नहीं बर्बाद करता है, वाद विवाद नहीं करता है, ये समझाने के लिए कि परमेश्वर है, यह साबित करने के लिए कि परमेश्वर है। द बाइबल डज नॉट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कोई भी तरह से हम लोग कभी भी साबित नहीं कर पाएंगे कि परमेश्वर क्या। बाइबल क्या कहता है, बाइबल कहता है कि साम 14:1 में, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए हैं, उन्होंने घिनौनी काम किए हैं, कोई सुकर्मी है ही नहीं। मूर्ख ने कहा है कि परमेश्वर नहीं, ये नास्तिक लोग है जो बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर है नहीं, सब कुछ अपने आप हो गया और ये है वो, तरह तरह से समझाते हैं। बाइबल कहता है उनके विषय में, ये मूर्ख है, दे आर फूल्स, द फूल हैज सेड दैट देयर इज नो गॉड। फिर मैं कुछ और बताना चाहता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि समझाने के लिए हम लोगों का परमेश्वर जिस पर हम लोग विश्वास करते हैं और बाकी लोगों से अलग हमारा विश्वास है। कुछ लोगों का विश्वास है कि जो कुछ ये पृथ्वी में हम लोग देखते हैं सब परमेश्वर है, सब परमेश्वर है, जो कुछ दिखाई देता है वो सब कुछ परमेश्वर है, इंग्लिश में कहते हैं मटीरियलिज्म, इसका मतलब है जो कुछ तुम देखते हो सब परमेश्वर है। कुछ लोगों का ये विश्वास है, आप शायद आश्चर्य करोगे, लेकिन बाइबल क्या कहता है, इफिशियंस चैप्टर 4:6 में कहता है, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर है, जितना चीज है उसके ऊपर है, और सबके मध्य में है और सब में है। सब चीज परमेश्वर नहीं है, सब चीज हम लोग देखते हैं परमेश्वर नहीं, लेकिन परमेश्वर उसके ऊपर है, उसके अंदर है, उसके नीचे है, ये हमारा परमेश्वर है। तो ये जो मटीरियलिज्म इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, ये गलत विचार है कि सब चीज परमेश्वर है। बहुत लोगों का विचार है, लो जितना चीज है सब परमेश्वर है। इफिशियन 4:6 इंग्लिश में आप देखा वहां पर, वन गॉड एंड फादर ऑफ ऑल हु इज अबव ऑल एंड थ्रू ऑल एंड इन यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड,
ये हमारा परमेश्वर जिस पर हम लोग विश्वास करते हैं। दूसरा चीज मैं बताना चाहता हूँ जो ये लोगों का विश्वास है, इंग्लिश में कहते हैं पॉलीथिज्म, बहुत देववाद, यानी कि बहुत से परमेश्वर है। ये खासकर हिंदुइज्म में है, विश्वास के बहुत से परमेश्वर है, देवी देवताएं हैं। कहा जाता है कि इंडिया में जितना लोग है उतना देवी देवता लोग भी हैं, जो कुछ है सबके वे लोग परमेश्वर बना देते हैं, पूजा करने की शुरू कर देते हैं, कोई भी चीज है उसको अलग से पूजा करने है। लेकिन हम नहीं विश्वास करते हैं कि बहुत से परमेश्वर है, पॉलीथिज्म, बहुत देववाद, विश्वास कि बहुत से परमेश्वर है ये नहीं है। याद रखना एक परमेश्वर, मैंने शुरुआत में बताया एक परमेश्वर है जिसने कहा मैं हूं, बिना मेरे द्वारा और कोई है ही नहीं। बाइबल में क्या कहता है, Deuteronomy chapter 6 verse 4 में कहता है, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. The Lord our God is one Lord. Hey Israel, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। ये है उनके विरोध में, मान लो जो खासकर हिंदुइज्म में ज्यादा पर देवी देवताओं पर विश्वास करते हैं। हम लोग उसमें से निकल कर आए हैं, मैं आशा करता हूं कि आप ये विश्वास है एक परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर, जिसने हमें सब हमारे लिए सब कुछ किया। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं यहां पर, इंग्लिश में कहते हैं बाइबल इज अगेंस्ट पैंथियज्म। पैंथियज्म इनका विश्वास है कि परमेश्वर सब कुछ है और सब कुछ परमेश्वर है, थोड़ा मटीरियलिज्म की तरह। ये लोग विश्वास करते हैं कि गॉड इज ऑल एंड ऑल इज गॉड, जो कुछ तुम देखते हो परमेश्वर है, उसमें भी परमेश्वर है सभी तरह से। लेकिन इब्रानियों की किताब में, बुक ऑफ हिब्रूज में पढ़ते हैं हम लोग, चैप्टर 1:3 में ऐसे लिखा हुआ है, वह उसकी महिमा का प्रकाश, परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभाला है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। ये हमारा परमेश्वर, सब कुछ परमेश्वर नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो सबके ऊपर है, सबके पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके दाहिने बैठा। ये हमारा परमेश्वर है जिस पर हम लोग विश्वास करते हैं। ये उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभाला है। उसके वचन से सभी चीज संभाला जाता है, उसके जो वचन के कानून जो है उसी से हम लोग देखते हैं सब कुछ है, जो कुछ है, कोई भी चीज बिना उसके नहीं है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि सब चीज परमेश्वर नहीं है, लेकिन परमेश्वर उससे भी ऊपर है, हमारा परमेश्वर जो है। बाइबल में जो परमेश्वर के विषय में हम लोग सीखते हैं, यहोवा के विषय में, उसके विषय में हम लोग कहते हैं वो पूर्णता से अनंत है, यानी कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, हमेशा से वो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, उसमें कोई चीज गड़बड़ी नहीं है। उसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं, बाइबल में सीखते हैं, उसको किसी ने सिर्जा नहीं, कोई बनाए के नहीं रखा, पत्थर के या लकड़ी के या कोई चीज के बनाए के नहीं रखा, वो खुद अपने आप है, अनक्रिएटेड, जैसे मैंने बताया इससे पहले, सेल्फ एग्जिस्टेंट, उसके किसी और के जरूरत नहीं है, वो खुद अपने आप सब कुछ करता है, उसको पानी, हवा, भोजन, समय की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप है। हमारा परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं वो अनंत काल का परमेश्वर है, इटर्नल गॉड, उसके ना शुरुआत है ना अंत है, ऐसा परमेश्वर की सेवा हम लोग करते हैं। हमारा परमेश्वर जिसकी सेवा हम लोग करते हैं उसी के द्वारा सब कुछ हुआ जो कुछ हम लोग देखते हैं, इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, सोता है, जो कुछ तुम देखो उसमें परमेश्वर से शुरुआत किया और कोई नहीं, ऐसा परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर के विषय में हम लोग ये बाइबल से सीखते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है, इंग्लिश में कहते हैं ओमनीपोटेंट,
सर्वशक्तिमान है, उससे ताकतवर और किसी के पास है नहीं, जो कुछ वो करता है वो करता है, वो सर्वशक्तिमान है। उसके विषय में हम लोग ये भी सीखते हैं बाइबल में से कि वो सर्वज्ञानी है, सब कुछ उसको मालूम है, ओमनीशियंट, जो कुछ है सब कुछ तुम उससे छिपा कर नहीं रख सकते हो। ये हमारा परमेश्वर है जिस पर हम लोग विश्वास करते हैं, सब कुछ जानता है। तुम सोचते हो शायद हम लोग छिपा लेगा कुछ, नहीं, परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा, वो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञानी कहते हैं। एक और चीज उसके विषय में है, वो सब जगह पर एक ही समय पर है, ओमनी प्रेजेंट। कोई ऐसा जगह आज वो यहां पर है और दूसरे जगह पर भी है, जितना कलीसिया सभी जगह पर है, जहां पर लोग हैं वहां पर है, स्मृति में सभी जगह पर वो है, एक ही समय में वो सब जगह है। सिर्फ हमारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर इस तरह का, ऐसे परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं। तो याद रखना, हमारा परमेश्वर जो है उसको किसी ने नहीं सिर्जा, वो खुद अपने आप को संभालता है, वो अनंत काल का परमेश्वर है, उसने सब कुछ सिर्जा, जो कुछ हम लोग देखते हैं ये परमेश्वर ने सिर्जा। वो है सर्वशक्तिमान, वो है सर्वज्ञानी, और वो है सभी जगह पर एक समय में है, ओमनी प्रेजेंट। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, ये हमारा परमेश्वर है। ये उस तरह का परमेश्वर नहीं है जो ले जाकर एक जगह पर रख दो, हम लोग आज यहां पर है, अगर दूसरा जगह हम लोग चाहते हैं तो उठा कर ले जाओ उसको दूसरे जगह पर। हमारा परमेश्वर सभी जगह पर एक समय पर है, चाहे जहां पर तुम रहो तुम उसको पुकार सकते हो, वो सुनेगा, उसकी उपस्थिति वहां पर है, वो जानता है सब कुछ तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, अच्छा खराब, तुम्हारे बीमारी, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ, सब कुछ जानता है, और उसके पास ताकत है उसको हटाने के लिए और तुम्हें स्वच्छ करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर का अंतिम प्रकाशन है। मैं भी समझाऊंगा, इंग्लिश में कहते हैं जीसस क्राइस्ट इज द फुल एंड फाइनल रेवलेशन ऑफ गॉड। यीशु, हमारा यीशु जो है वो परमेश्वर का अंतिम प्रकाशन है। जो कुछ हमें परमेश्वर के विषय में जानना था उसको हम लोग यीशु मसीह में देखते हैं। इस परमेश्वर जो उसे उसके विषय में कुछ और जानना है वो सब यीशु मसीह में दिखाई देता है और हमें बाइबल में मिलता है। उसके अलावा अगर बाहर से कोई आकर कहे जानते हो परमेश्वर ऐसे है, ये किया वो किया, तो तुम्हें बताना चाहिए कि बाइबल में दिखाओ। अगर बाइबल में है तो दूसरा बात, अगर नहीं है तो उसे नकार दो, छोड़ दो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो कुछ हमें दिखाया परमेश्वर के विषय में वो सही चीज दिखाया, और उसके अलावा और कुछ नहीं है। नया प्रकाशन नहीं होता, नो न्यू रेवलेशन। डजंट मैटर हु कम्स एंड सेज ओह यू नो आई हैव गॉट अ न्यू रेवलेशन अबाउट गॉड, देयर इज नो सच थिंग एज न्यू रेवलेशन, ओनली व्हाट इज इन द बाइबल सीन बाय जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला वही है। बहुत लोग गलत अफवाहें फैला देते हैं और इसके द्वारा लोग भरमा जाते, इधर उधर भटक जाते, क्योंकि वे सुनते हैं यहाँ पर ऐसे वहाँ पर सुनते, लेकिन बाइबल हमें बताता है यीशु मसीह अंतिम प्रकाशन, जो कुछ हमें जानने को था परमेश्वर के विषय में यीशु मसीह हमें दिखा दिया, जो कुछ हमें ज़रूरत था जानने के लिए यीशु मसीह हमें दिखा दिया, और कुछ नया चीज़ नहीं है। यूहन्ना की किताब में हम लोग पढ़ते हैं John 14:9, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा दो? जिसने मुझे देखा, यीशु ने कहा, उसने पिता को देखा। जो कुछ हमें जानना चाहिए था सब कुछ यीशु मसीह हमें दिखा दिया। और जल्दी से मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह में वही दैवी शक्ति, वही दैवी सामर्थ्य, परमेश्वर, इन अदर वर्ड्स यीशु मसीह परमेश्वर के बराबरी सभी तरह से, उसमें दैवी शक्ति, अनंत काल का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, अनंत काल का परमेश्वर का पुत्र जीसस क्राइस्ट द इटर्नल सन ऑफ गॉड,
कैसे हम लोग जानते हैं, मैं बाइबल में से कुछ आपको देख बताना चाहता हूँ। आज हम लोग अच्छी तरह से जान समझ, शायद अलग अलग हम लोग इसके विषय में सुने हैं, लेकिन आज मैं इसको एक साथ में बताता हूँ, हम लोग कोशिश करें इसको जानने के लिए। पहला चीज यीशु के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, और किसी एक व्यक्ति चाहे जो मर गया है, जो अभी है या जो आने वाला है, उसके विषय में आप नहीं सुनोगे कि यीशु मसीह कुंवारी से पैदा हुआ, बोर्न ऑफ अ वर्जिन। मैथ्यू chapter 1 verse 23 में हम लोग पढ़ते हैं कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखना, क्योंकि जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। एक कुंवारी से जन्मेगा, यह एक साबूत है कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। कोई एक दूसरा मनुष्य आज तक बिना पुरुष से और स्त्री के रिश्ता से नहीं जन्मा आज तक। लेकिन जब यीशु के विषय में पढ़ते हैं तो सिर्फ लिखा हुआ वो कुंवारी से पैदा हुआ, कोई मनुष्य का हाथ उसमें नहीं था। जब वो कुंवारी थी, किसी एक मर्द को वो नहीं जानी थी, उस समय वो गर्भवती हुई पवित्र आत्मा के द्वारा, और उसने जन्मा यीशु मसीह को, और उसका नाम इमैनुअल। इमैनुअल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ में, यीशु मसीह उसका नाम, पहला चीज। दूसरा चीज हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में 30 वर्ष से ज्यादा वो पृथ्वी में रहा, शारीरिक रूप में 30 वर्ष से ज्यादा था, लेकिन उसमें कोई पाप नहीं था। प्रचार कर रहा था, वो लोगों के सामने खड़ा होकर ये कह सका, तुम में से कौन दिखा सकते हो मुझ में कोई पाप, एक पाप मुझ में दिखा दो। इब्रानियों की किताब में हम लोग पढ़ते हैं लिखा हुआ, सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर से भी ऊंचा किया हुआ है, कोई पाप उसमें नहीं था। महायाजक जो हमारे विषय में प्राण देने के लिए आया था, वो पवित्र था, निष्कपट, निर्मल, पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ है। परमेश्वर ने उसको ऐसे ऊंचे दर्जे पर उठा कर रखा। तो हम देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है उसमें कोई पाप नहीं था, उसको अपने पाप के लिए पश्चाताप करने की जरूरत नहीं रहा, उसने कभी कोई पाप नहीं किया। अगर आप देखोगे अन्य धर्म में कोई शिक्षा किसी एक व्यक्ति के विषय में, उनका देवी देवता जो है और उनके विषय में अगर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे वह किसी न किसी तरह के पाप के काम किया, लेकिन यीशु मसीह के विषय में कोई नहीं पा, एक पाप भी नहीं पा सकते। बहुत लोग कोशिश किए लेकिन नहीं मिलता। एक चीज और हमें साबित करता है कि प्रभु यीशु मसीह में ईश्वरीय सामर्थ है, वो ईश्वर है, और वो है उसके आश्चर्यकर्म। आश्चर्यकर्म उसने किया, बहुत से आश्चर्यकर्म किया, आज भी वो करता है। यीशु मसीह जीवित है इसलिए वो आश्चर्यकर्म हमारे बीच में करता है। हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों के काम chapter 2 verse 22 में, एक्स chapter 2 verse 22, हे इसराइलियो ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों में और चिन्हों से प्रकट है, और जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाया, जिसे तुम आप ही जानते हो। हम लोग यही बात कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नासरी का एक मनुष्य जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण कैसे है, आश्चर्यकर्म के द्वारा। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई को प्राप्त किए, कितने लोग के लोगों का जीवन बदल गया, बुरे आदतों से तुम्हें छुटकारा पाया, बीमारी से छुटकारा पाया, कष्ट में थे यीशु मसीह आकर तुम्हें सहारा दिया, नौकरी नहीं था सहारा दिया, नौकरी दिया, तरह तरह से हम लोग प्रमाण दे सकते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा मुझे ये सब चीज हुआ। ये साबित करता है कि यीशु मसीह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो मरा जी उठा और आज भी हमारे साथ में है। इससे मालूम होता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है।
एक चीज और हम लोग देखते हैं, उसका क्रूस का मृत्यु जो था, क्रूस का मृत्यु जो था वो अपने लिए नहीं मरा, ना कोई उसको जबरन क्रूस पर ले गया। अगर वो क्रूस से छुटकारा नहीं जाना चाहता था तो वो बचा ले सकता था अपने आप को, लेकिन वो गया वहां पर। क्यों गया? अपने लिए नहीं, लेकिन दूसरों के लिए, दूसरों को बचाने के लिए। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं हिज सब्स्टिट्यूशनरी वर्क ऑन द क्रॉस, यानी क्रूस पर जो मरा दूसरे लोगों के लिए, अपने लिए नहीं, दूसरे लोगों के लिए, जो पाप में थे उनके लिए वो क्रूस में मरा। यीशु पाप रहित था, उसमें कोई पाप नहीं था। दूसरा कुरिन्थियों की किताब में हम लोग पढ़ते हैं 5वां अध्याय verse 21, 2 Corinthians chapter 5 verse 21, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप पापी ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। उसमें कोई पाप नहीं था, लेकिन जब वो क्रूस पर गया तो तुम्हारे और हमारे पाप को अपने ऊपर ले लिया कि उसके मृत्यु के द्वारा हम लोग धर्मी ठहराए। और कौन जगह पर आप ऐसे पढ़ोगे? आप कहां पर पाओगे कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा तुम्हारा पाप छुटा? जो एक निष्कलंक पवित्र व्यक्ति अपने आप को बलि चढ़ाया जिसमें कि और लोग बच सके, लेकिन यीशु मसीह के विषय में हम लोग पढ़ते हैं ऐसा ही किया उसने। और आज भी यीशु मसीह जीवित है और वही एक मार्ग है मुक्ति प्राप्त करने के लिए, वही एक मार्ग है अपने पाप से छुटकारा पाने के लिए, वही एक है जो तुम्हें बुरे आदतों से छुटकारा दे सकता है, वही है जो तुम्हें बीमारी से छुटकारा दे सकता है, वो है यीशु मसीह, ईश्वर परमेश्वर उसके साथ में। फिर हम लोग एक चीज और देखते हैं उसके विषय में, Matthew chapter 28 verse 6, उसके शारीरिक रूप से मृतकों में से जी उठना। कोई दूसरा मनुष्य आज तक ये नहीं, हम लोग पढ़ते हैं उसके विषय में कि वो मरा, खुद अपने आप को क्रूस पर चढ़ाकर मरा और फिर जी उठा अपने आप से। लेकिन यहां पर हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में कि वो शारीरिक रूप से फिर से जी उठा। बाइबल में आप देखोगे करीब 500 से ज्यादा लोग इसके इसको देखे, साबूत किए, विटनेस थे, गवाह थे, वे लोग वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने देखा यीशु मसीह को शारीरिक रूप में उनके सामने, उनके देखते देखते यीशु मसीह ऊपर उठा लिया गया। और भविष्यवाणी दूतों ने कहा क्यों तुम लोग इस तरह से देखते हो, यही यीशु मसीह जो आज ऊपर जाता है एक दिन फिर लौट कर आएगा। मैंने इसके विषय में बताया आपको पहले कि यीशु मसीह लौट कर आएगा, प्रेज द लॉर्ड, वही यीशु मसीह आएगा। लोग यहूदियों का विश्वास था कि अगर कोई मर जाए पहला रोज ठीक है, वो सकता है, कुछ हो सकता है कि वो जी जाए फिर से, दूसरा रोज हो सकता है, तीसरा रोज हो सकता है, लेकिन तीसरा दिन के बाद एक आदमी अगर 3 दिन के बाद मरा रहे वो कभी भी जी नहीं उठेगा, यहूदी लोगों का यही विश्वास था। लेकिन यीशु मसीह जी उठा। आप पढ़ोगे Matthew 28 में कि वे लोग उसी दिन से कितना कोशिश किए ये साबित करने के लिए कि यीशु मृतकों में से नहीं जी उठा। तरह तरह के अफवाह अभी भी फैल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर बेहोश हो गया ना, जब उसको ले जाकर वे लोग उस कब्र में रखे, उस सुरंग में रखा गया और पत्थर रख दिया गया तो भीतर ठंडा रहा और ठंडा होने के कारण वो फिर से होश में हो गया और होश में होकर आकर ये भारी पत्थर जो था उसको लुढ़का कर और वहां से चला गया, सबको बताया कि मैं जी उठाऊं। ये अनहोनी बात है, कैसे एक आदमी जो अधमरा था जिसको चाबुक से मार मार कर, यहां पर सिपाही लोग और बाइबल में ये भी साबित करता है उसके खेत शरीर जैसे जोतल खेत के समान हो गया, नीला से ठोका गया, उसको मारा गया, अधमरा हो गया जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। जो सिपाही लोग थे वे लोग बड़े उस्ताद थे मरे लोगों को देखने में, बहुत लोगों को उन्होंने देखा,
और जब उन्होंने यीशु को देखा वे लोग विश्वास किए तो मर चुका है और भाला लेके मारा उसको यहाँ पसरी में और खून और पानी निकल गया उसको, से ये साबूत था कि वो मर गया है। पायलट आश्चर्य किया कि इतना जल्दी मर गया। क्रूस पर निकाल कर वे लोग ले गए इस कब्र में रखे। प्रभु यीशु मसीह के भविष्यवाणी था, बुक ऑफ इसाया में पढ़ो करीब 400-800 वर्ष पहले भविष्यवाणी था कि वो जी उठेगा और वो आज जीवित है। वो कब्र में से निकला, कोई नहीं साबूत कर पाया आज तक। बहुत लोग कोशिश किए साबूत करने के लिए। ये फरीसी लोग सिपाहियों को पैसा दिया, घूस दे दिया, घूस देना वहां शुरू हो गया, घूस दे दिया, बताया जाओ कोई पूछे तुमसे क्या हुआ बताना, चेले लोग आकर रात के चुरा लेंगे। हो भी नहीं सकता, चेले लोग तो सब भाग गए थे, वहां रही थे। ये अफवाह अभी तक फैल रहा है। कुछ लोगों का विचार है कि यीशु मसीह होश में आकर और चला गया उधर कश्मीर के तरफ और वहां पर एक कब्र है, वहां पर उसको गाड़ा गया। कोई साबूत नहीं कर पाया, लेकिन कहते हैं क्योंकि यीशु मसीह जीवित है। यीशु मसीह जीवित नहीं रहता आज हम लोग यहां पर नहीं रहते। यीशु मसीह जीवित नहीं रहता तो ये देश आज, फिजी देश के विषय में बात करता हूं, आज यहां पर लोग एक दूसरे को मार मार कर खा लेते हैं। वो एक साबूत है कि यीशु मसीह जीवित है और मसीह संस्था जो है वो सच्चा है। क्योंकि जब बाइबल लाकर यहां पर पढ़ा गया, उनके सामने जब बताया गया जो एक दूसरे को खाते थे कैनिबल लोगों को, वे लोग यीशु पर विश्वास किए और पूरा फिजी के लोगों को बदल गए क्योंकि यीशु मसीह जीवित है। इसीलिए हम लोग आज सुख चैन से यहां पर रहते हैं, प्रार्थना करते रहो, विश्वास करते रहो। मैथ्यू 28:6 में हम लोग पढ़ते हैं, जब चेले लोग और ये स्त्री लोग गए कब्र में देखने के लिए, खोजने के लिए, वे लोग चाहते थे उसको लोथ का जो जो उनका कार्रवाई था बाकी काम करने के लिए, पहले दिन जब मरा था वो नहीं कर पाए, सबत के दिन था इसलिए वे लोग नहीं कर पाए। हफ्ता के पहले दिन वे लोग आए और वे लोग चाहते थे बाकी काम पूरा करने के लिए शरीर में, ये लोथ में। सुबह सुबह आए वहाँ पर, ये भारी पत्थर जो वहाँ पर था वो लुटका हुआ था, हट गया था वहाँ से। यीशु को निकालने के लिए नहीं, अगर बाइबल आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप देखोगे यीशु मसीह कब के निकल कर चला गया था। उसको दरवाज़ा की ज़रूरत नहीं था क्योंकि उसके शरीर जो था वो महिमा से भरा हुआ शरीर था। उसको लोहा लकड़ी पत्थर वगैरह के बीच में से वो निकल कर चला जाता। उस दिन उससे पहले चला गया, फरिश्तों ने आकर पत्थर को लुटकाया जिसमें कि चेले लोग अंदर जा सके। और ये स्त्री लोग जब गए वहां पर खोज रहे थे, दूतों ने कहा तुम लोग कौन सी खोजता है, आप क्या खोज रहे हो यहाँ पर, यीशु यहाँ नहीं है, वो तो जिंदा हो गया, जाओ गलीली में तुम्हें मिलेगा। और वे लोग गए गलीली में और उससे मिले। वो यहां नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है, आओ वो स्थान देखो जहां पर प्रभु पड़ा था, नहीं है वहां पर, आज तक भी वहां नहीं है वो। जेरूशलम में कब्र खाली है। बाकी लोगों के विषय में तुम पूछोगे तो बताएगी हमारा धर्म के अगुआ यहां पर ये कब्र में है, वो वहां पर है, ये कब्र है, वो कब्र है, लेकिन जब यीशु मसीह के बारे में जाओ वो कब्र खाली है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ कि मुझे एक मौका मिलता है जेरूशलम जाने के लिए। जिसे मैं देखूंगा उस जगह जहां पर कब्र में रखा गया था उसको और वहां नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो है महान परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। जितना पिता में ताकत उतना यीशु में ताकत, जितना यीशु में ताकत उतना पवित्र आत्मा में, सब तीनों बराबर है और अपने अपने काम के लिए परमेश्वर उनको अलग अलग हमें दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह जब मृतकों में से जी उठा तो उसके विषय में लिखा है कि परमेश्वर ने इतना उसके ऊपर उठाकर परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा दिया। एक्सोल्टेड टू द राइट हैंड ऑफ गॉड। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 9 पद में हम लोग पढ़ते हैं,
यह कहकर उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। 500 से ज्यादा लोग देखे उसको, और फिर बाइबल आगे हमने पढ़े थे जहां पर लिखा हुआ है कि उसको ले जाकर परमेश्वर के दाहिने हाथों में बैठाया। ये हमारा प्रभु है, प्रेज द लॉर्ड, जीवित प्रभु है, फिर से आने वाला है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज वो हमें मौका देता है। ये एक परमेश्वर जिस पर हम लोग विश्वास करते हैं, वो चाहता है कि हर एक मनुष्य बच जाए, पाप से छुटकारा पा जाए और जाए स्वर्ग में परमेश्वर के साथ में। ये उसकी इच्छा है। अगर आप यहां पर हो, दुखदा है, डर है कि क्या होगा मृत्यु के बाद, मैं आपको बताना चाहता हूं मृत्यु के बाद जीवन है और यीशु मसीह में जीवन देगा। अगर अभी तक आप विश्वास नहीं किए हो, आज तुम विश्वास करो, क्योंकि मृत्यु एक ऐसा चीज हम नहीं जानते कब होगा। तुम यहां से निकल कर बाहर जाओगे, गिर कर मर जाएगी, कौन जानता है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन क्या तुम तैयार हो मृत्यु के लिए? यीशु मसीह हमारे लिए एक जगह तैयार किया है, वो जीवित है और वो ठहरता है और वो चाहता है कि आप भी मुक्ति को प्राप्त कर लो। एवरी सोल माइट बी सेव्ड, दैट इज हिज पर्पस, दैट इज हिज डिजायर। हर एक प्राण बच जाए, बिना यीशु मसीह के कोई स्वर्ग को नहीं जा सकता है। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। अगर आप सोचते हो कि अच्छा काम करके या फलाना जने पर विश्वास करके वहाँ जाकर ये तीर्थ यात्रा करके वहाँ पर भ्रमण करके ये करो वो करके मैं अनंत जीवन प्राप्त करूँगा, आप गलत जगह पर हो। लेकिन यीशु मसीह आज आपको यहाँ पर लाया है जिसमें कि आप भी प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुनो और उतना विश्वास उसके ऊपर लाओ। आज मौका है। ये जीवित प्रभु, ये प्रभु जो हमसे प्रेम करता है, ये परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को दिखाया कि सच्चा परमेश्वर कौन है। वो चाहता है कि हम लोग सब उसके ऊपर अपना विश्वास लाए। आप सब मेरे साथ में खड़े हो जाएं।